सर्जनाचा दिवस उजाडे पप्पा निघाले आपल्या गावी ये पर दुनिया ना लवकर बाप्पा रे शेन पडे जी। तो 9 दिन गणेश चतुर्थी के कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और आज है गणेश चतुर्थी का 10वां दिन, और आज की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है गणपति विसर्जन की। तो इस कहानी के जो 3 हिस्से हम आपको आज बताने वाले हैं इस कहानी में, तो उसका पहला हिस्सा जो होने वाला है वो होने वाला है लालबाग चिंचपोकली एरिया से, और वहाँ पे गणपति विसर्जन की जो शुरुआत हुई है ना वो बहुत ही वाइब क्रिएट करती है इस कहानी में। तो पहले हम लालबाग की जो वाइब ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी है ना वो हम आपको शेयर करने वाले। पहले हम जाएंगे लालबाग चिंचपोकली, और उसके बाद की जो कहानी है वो हम धीरे धीरे आपसे शेयर करते हैं। ये तो थी वाइब फ्रॉम मुंबई चिंचपोकली लालबाग एरिया से। अब बज चुके हैं शाम के 5 और हम निकल पड़े हैं गेगांव चौपाटी, क्योंकि गणपति विसर्जन की जो बहुत बड़ी वाइब है ना वो आपको गेगांव चौपाटी में दिखने वाली है। क्योंकि अभी जो आपने वाइब देखा है लालबाग एरिया की वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, अभी जो आप देखने वाले हो वो इस कहानी का सबसे मेन पार्ट है गेगांव चौपाटी। तो गूज़बम्प्स नहीं आया तो पैसे वापस, क्योंकि जब मैं वहाँ पे ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा था तो वो वाइब ही अलग थी। तो सीन्स फ्रॉम गेगांव चौपाटी गणपति विसर्जन।
तू भालचंद्र तू विष्णुदेव तू वक्रतुंड तू विघ्नराज तू जय 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 गणेशा बप्पा बप्पा तू हीरे गणपति बप्पा तू हीरे जोर जोर से सब तुम बोलो जय 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 श्री गणेशा जी। अगर आप लोग मुंबई से नहीं हो तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि मुंबई में आजकल जो मौसम चल रहा है ना वो थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। सुबह से लेके शाम तक जो मौसम है वो एकदम गर्मी और धूप से भरा है, और शाम से लेके रात तक जो माहौल है वो बारिश और बिजली ऐसी कुछ मौसम चल रहा है। तो जैसे ही शाम हो गई बारिश ने अपना आगमन कर लिया था, पर बारिश के बीच में मुंबई का जो जोश था विसर्जन का वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। और हमने ये एक्सपीरियंस पहली बार किया था क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और विसर्जन का जो माहौल है ना वो थोड़ा सा भी इंटरप्ट नहीं हुआ, बल्कि मुंबई के जो जोश है ना बारिश में वो और डबल हो गया। और इस बारिश के बीच में आपने कुछ तो मिसिंग किया होगा, गणपति डांस। गणपति डांस के बिना गणपति विसर्जन तो अधूरा है बॉस। तो अभी आप सीन्स चेक कीजिए, बारिश, गणपति विसर्जन और गणपति डांस गिरगांव चौपाटी से, मज़ा आएगा बॉस। सिंदूर सोए मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। हाँ जी, तो अब बच चुके थे सुबह के 5:30 और अब भारी थी राजा के एंट्री की। तो लालबाग चल राजा गिरगांव चौपाटी में एंट्री कर चुके थे और उनकी एंट्री, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ चेक कीजिए, पुलिस की सिक्योरिटी उसके पीछे, आर्मी की सिक्योरिटी उसके पीछे, राजा की प्रजा और पीछे लालबाग चल राजा की एंट्री, वो वाई भी अलग थी। तो राजा की एंट्री हो चुकी है गिरगांव चौपाटी में। ये तो थी कहानी गणपति विसर्जन की। तो कैसे लगी आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश गणपति विसर्जन की कहानी आपके साथ शेयर करने की, हमें ज़रूर बताइए। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। टिल देन, गणपति बप्पा मोरिया,
और हम अपने वीडियो के आखिर में कुछ कहते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग, वी विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लिव लाइफ किंग साइज, आगे के एडवेंचर बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे, बाय बाय।